उत्तराखंड हाई कोर्ट ने NH-74 के भूमि घोटाले में लिप्त 14 आरोपियों में से 5 आरोपियों को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने जमानत दे दी। आज 11 आरोपियों की बेल सुनवाई में लगी थी। सुनवाई के बाद कलेक्शन अमीन, अनिल कुमार, रामसमुद चौकीदार, संतराम अहलमद, संजय चौहान पेशकार, अमर सिंह चकबंदी अधिकारी को एकल पीठ ने जमानत दे दी। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र डोभाल ने कोर्ट को बताया कि पिछले एक साल से एनएच घोटाले में जेल में बंद है। सभी आरोपियों ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था, जिसमें डीपी सिंह सहित अन्य आरोपियों की जमानत नहीं हुई। जांच करने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पथरी लेखपाल, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी और लेखपाल आदि दोषी पाए गए। निचली अदालत ने सभी आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए थे। माननीय न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की से बहस हुई, उसमें उन्होंने हमारे क्लाइंट अनिल कुमार, जो कि संग्रह अमीन थे और अटैच थे रजिस्ट्रार कानूनगो जसपुर के, उनको बेल ग्रांट कर दी। संवाद 365 के लिए नैनीताल से समीर साह की रिपोर्ट।